जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि MPPEB ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एडमिट कार्ड 2021 के बारे में, जो कि अनाउंस हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, आपका एडमिट कार्ड अनाउंस हो चुका है। और आप इसको कैसे डाउनलोड और कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहां पर होम पेज पर बताया टेस्ट एडमिट कार्ड ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए जो कि आपको एग्जाम के दिन फॉलो करने हैं। और जब आप एग्जाम सेंटर पर जाओगे उस दिन भी आपको इन सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। तो यहां पर आपको इनको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जानकारी होती है जो कि आप अगर रीड नहीं करते फिर आपको एग्जाम सेंटर के सेंटर पर जाकर के उसी दिन मालूम पड़ता है। इसलिए आपको इनको रीड करना है। रीड करने के बाद यहां से इसको कट कर दीजिए। फिर आपके सामने जो इंटरफेस होगा, यहां पर आपको बोला है कि एप्लीकेशन नंबर जो कि आपका मैक्स 13 डिजिट का होना चाहिए, यहां पर आपको यह भरना है, जो कि बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिला होगा। फिर यहां पर आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय इस्तेमाल की थी। और आपके सामने जो यहां पर एक कैप्चा है, जैसे कि 36-10, जो भी आपके सामने आएगा वो यहां पर आपको डालना है। और डालने के बाद आपको यहां पर सर्च के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर बेसिकली आपकी जानकारी दी गई है, आपका एप्लीकेशन नंबर है, साथ ही यहां पर आपकी जो एग्जाम डेट है वो भी बताई गई है, फ्राइडे 29 जनवरी 2021। एग्जामिनेशन टाइम आपका 2 से 5 बजे रहेगा, शाम की शिफ्ट होगी यानी कि सेकेंड शिफ्ट में। और एग्जामिनेशन सिटी यहां पर जबलपुर दी गई है। अब आपके मन में कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कब होगा और कैसे होगा, तो आपको बोला है कि यू कैन डाउनलोड योर डिटेल्ड टेस्ट एडमिट कार्ड 3 डेज बिफोर योर एग्जाम डेट, यानी कि जो आपकी एग्जाम डेट यहां पर 29 जनवरी 2021 दी गई है, इसके 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड लाइव हो जाएंगे। आपको यहां पर फिर से इस प्रोसेस को फॉलो करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहां पर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, आप उसको प्रिंट कर पाओगे और कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम कोई आती भी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कहोगे कि सर एक और वीडियो बना दीजिए, अब एडमिट कार्ड लाइव हो चुके हैं, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप उस वीडियो को देख करके जो प्रॉब्लम आपके सामने आए उसको सोल्व कर सको। तो चलिए यहां पर आपने ये जानकारी जान ली है। अभी बात करते हैं उनके बारे में जो कि यहां पर अपना रजिस्टर नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके सर्च के ऊपर क्लिक करके पाते हैं कि उनकी जो जानकारी है वो यहां पर एरर दे रही है, और आप यहां पर ये अपनी एग्जाम सिटी या फिर डेट नहीं चेक कर पा रहे। तो उनको क्या करना है, उनको ये चेक करना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है यहां पर जान लीजिए। तो यहां पर दोस्तों आपको होम पेज पर आना है, और होम पेज पर आने पर आपको ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ आकर के आवेदन संख्या खोजे इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि यहीं से आप आपकी जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो आप यहां से रिकवर कर पाओगे। तो आपको यहां पर ग्रुप 2 इसके बारे में जानकारी दी गई है, बेसिकली आप यहां से अन्य भी जो आपने अप्लाई किया था उसकी जो डिटेल है वो भी यहां पर निकाल सकते हैं। तो हम यहां से ग्रुप 2 सिलेक्ट करते हैं। आवेदक का नाम आपको यहां पर वही एग्जैक्ट नेम डालना है जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय इस्तेमाल किया था, उपनाम यहां पर यानी कि सरनेम यहां पर लिखीजिए। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहां पर डालनी है, अपने पिताजी का नाम यहां पर आपको लिखना है, आपकी जो कास्ट कैटेगरी थी वो कास्ट कैटेगरी आपको चूज करनी है, मध्य प्रदेश के निवासी हो या नहीं हो आपको हाँ ना में जवाब देना है। फिर जो आपके सामने कैप्चा है आपको यहां पर डालना है, और डालने के बाद आपको आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर नीचे देख सकते हो आपका एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, और यहां पर नेम भी दिया है और आपका फादर नेम भी दिया गया है। इसका मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो आपने फाइंड कर ही लिया है, और दूसरा मतलब ये कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आप अपना MPPEB ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर पाओगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपका सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।